Hello friends, how are you all? So, what is the next topic of our chapter? Coordination number. Stability of coordination number. Today we are going to study what is the stability of coordination number and how to find out the stability of coordination number. Right now, we will see it. Right? Let's start with what is coordination number and what is the reaction? Which type of reactions are there? Use in the formation of coordination compound. Coordination compound में कौन सी टाइप की रिएक्शन जो है फॉर्मेशन में यूज होती है, वी विल सी इट. राइट, इफ यू सी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओवर हियर, राइट ना, मेटल एंड लिगेंड, राइट ना, लिगेंड रिएक्ट विथ मेटल. मेटल क्या रिएक्ट करता है, हम लोग को मालूम है मेटल लिगेंड क्या होता है. लिगेंड वो चीज होती है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज लिगेंड, राइट ना. तो हियर ligand will what provide lone pair of electron to metal, right? So ligand will donate electron and metal will accept electron, right? Ligand kya karega, electron ko donate karega, metal kya karega, ligand electron ko accept karega. So kya main bol sakta hu, can I say that this reaction is acid base reaction, because ligand donate karta hai. So as per the Lewis base, Lewis ke hisab se kya hota hai, the substance which gives lone pair of electron is called, yeah, which donate lone pair of electron is called as base, Lewis base, and the substance which accept lone pair of electron is called as Lewis acid. So here the ligand donates electron, therefore it is a Lewis base, and it accepts the electron, therefore it is a Lewis acid. So this type of reaction is nothing but an acid base reaction. So normally जब भी हम लोग ligand formation की बात करेंगे तो ligand formation reaction जो होती है वो कौन सी reaction होती है, acid base reaction होती है. कौन सी reaction होती है, acid base reaction. Now let's move to stability of coordination compound. Now stability of coordination compound can be explained in terms of what, K. K के जरिए हम लोग stability constant के जरिए हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज के, के इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट. देयर आर थ्री नेम्स ऑफ के, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट. हाउ टू राइट के, हम लोग को मालूम है, हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, राइट. कैसे पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन के का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट प्रोडक्ट क्या है हमारा, एम एल सिक्स, राइट. एंड रिएक्टेंट कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल, बराबर. और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर में लिखते हैं. सो वी विल गेट व्हाट, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एल सिक्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल रेस टू सिक्स, राइट. सो दिस इज द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ व्हाट, दिस कॉम्प्लेक्स, राइट. हाउ टू राइट मैंने बता दिया आपको, ये यूज आएगा तो आपको क्लिक में आना चाहिए. लेट्स मूव, राइट. मैंने जैसे बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट. हाउ इट डिपेंड्स, वी विल सी कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे हम लोग. स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जितनी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उतना ज्यादा वो क्या है ना, स्टेबल रहेगा. इफ यू सी ओवर हियर, आई हैव टेकन सम एग्जांपल ऑफ इट, राइट. तो ये क्या है, ए जी सी एन से रिएक्ट करेगा और ए जी सी एन टू बना. इसका के जो है हमारा क्या है, हमारा के इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10^18 है, राइट ना. अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सी यू सी एन स्पोर ब्रैकेट माइनस टू का अगर बात करूंगा तो उसका के की वैल्यू क्या है, 2 × 10^27 है. और ये हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, उसका अगर हम लोग देखेंगे तो उसका के की वैल्यू है 5 × 10^23 है. तो अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सबसे ज्यादा है. इसके मतलब मेरे को मालूम पड़ा कि ये सबसे ज्यादा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है. ये सर मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल अमंग दिस थ्री, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये, राइट. अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये रहेगा NH3 6 प्लस 3, उसके बाद कौन है, सी यू. देखो ये 27 या 28 है ना, यहाँ पर ये सी यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है इसके मुकाबले में. तो ये सी यू सी एन 4 माइनस 2 चार्ज हो जाएगा, ये बड़ा हो गया. और सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है,
ये रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है के की वैल्यू सबसे कम है राइट। तो हम लोग को एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली नीट में क्वेश्चन आता है, नीट जेईई में क्वेश्चन आता है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल राइट। तो अगर के की वैल्यू दिया हो तो हम लोग के की वैल्यू के जरिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, लेस और लीस्ट, समझा हम लोग को, क्लियर हम लोग को। इसके बाद आता है इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का अपोजिट होता है इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय बीटा, ऑल्सो बीटा। इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट क्या रहेगा हमारा, के अगर स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के डैश रहेगा हमारा इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट राइट ना। एक्चुअल में इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हम लोग कैसे कहते हैं, हमारा अपोजिट रहेगा ना हमारा वन के। इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगा अपोजिट रहेगा हमारा वन के, मतलब क्या होगा हमारा इसका लिखेंगे एम, अगर मैं सी का लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा एम उल्टा हो जाएगा, एम सिक्स हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे चले जाएगा, क्या रहेगा हमारा एम एल सिक्स हो जाएगा, समझा आप लोगों को। तो दिस इज इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट राइट। वो फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट था, ये क्या है ना डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, समझा हम लोग को। तो समझ में टॉपिक स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की बात करेंगे या स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, अभी आगे और फैक्टर देखने वाले जिसपे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड करता है। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन में होती है। तो हम लोग उसकी स्टेबिलिटी जो है किसके जरिए, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बताया स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट के जरिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा के स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहेगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। और मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया हूँ राइट ना। इन स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट का इन्वर्स करके लिखना रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद देखेंगे कुछ फैक्टर्स है जिस पर स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिपेंड करती है। तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको कॉपी कर लो फास्ट जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, विल सी। देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नंबर वन इज नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन कैसा है उसके बारे में राइट। सेकेंड वन इज व्हाट, नेचर ऑफ लिगैंड, लिगैंड कैसा है उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे स्टेबिलिटी पता करेंगे। और थर्ड वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये नीट ये डब्ल्यू सी डे पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वापस से सेम क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पूछेगा कि अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट स्टेबल, और के की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे चार ऑप्शन में से कौन स्टेबल ज्यादा है, तो वो आपको बता रहा हूँ राइट। सो नेचर ऑफ मेटल आयंस मतलब क्या, एक्चुअली हियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज रेशियो ऑफ मेटल आयन। मतलब मेटल आयन की चार्ज रेशियो क्या, अब चार्ज रेशियो क्या होता है, तो चार्ज रेशियो के लिए मतलब क्या है, चार्ज रेशियो किसी का ज्यादा होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ ज्यादा होना चाहिए तो इट इज चार्ज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज ऑफ मेटल, चार्ज ऑफ मेटल, मेटल के चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम और साइज ऑफ मेटल। वॉल्यूम बोलो या साइज ऑफ मेटल, मेटल की साइज के इनवर्सली, मतलब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है आपके सामने। देखो मेरे को चार्ज रेशियो मतलब कितना चार्ज है राइट, मैं बोलूंगा कितना चार्ज ज्यादा है किसमें, एग्जाम्पल मैं बात करूंगा इन दोनों के अंदर, ये दोनों की साइज समझो एग्जाम्पल सेम है, सेम साइज है, इसमें चार्ज कितना है प्लस टू, इसमें चार्ज है प्लस टू है, तो आपको मैं पूछूंगा कि इन्होंने चार्ज किसका ज्यादा है, तो आप बोलेंगे दोनों का चार्ज सेम है प्लस टू है, कोई कम ज्यादा नहीं है, कौन ज्यादा घना हुआ है, नहीं दोनों में साइज सेम है इसलिए क्या है चार्ज भी, चार्ज सेम है और साइज भी सेम है इसलिए कुछ नहीं। बट अगर मैं इसको और कंपेयर करता हूँ इसको, अब मैं आपको बोलूंगा चार्ज किसका ज्यादा है, तो सिंपल सी बात आप बोलेंगे इसका कहा ज्यादा, तो बोलेंगे सर कैसे ये बड़ा है तो क्यों, तो बड़े में ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, एग्जांपल समझो बात को कि मैं ज्यादा आबादी के अंदर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि पूरे मुमरा के अंदर 40 लोग हैं, मुमरा के अंदर कितने लोग हैं 40 लोग हैं, और एक क्लास है मेरी, क्लास के अंदर एक रूम है, रूम के अंदर कितनी एक क्लास जो है मेरा एक रूम है राइट, उसमें कितने बेंचेस है 40 बेंचेस होंगे और 40 लोग हैं, कितने
40 लोग, एक रूम के अंदर कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब मैं बोलूंगा कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी की बात कर, चार्ज रेशियो की बात कर, चार्ज डेंसिटी किधर ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि भाई ज्यादा डेंसिटी किधर, किधर डेंसिटी है, ज्यादा लोग किधर दिख रहे हैं, गीला क्लास में देखेंगे 40 लोग इधर भी है, 40 लोग जो है शहर में पूरे मुमरा के जो 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर फैला हुआ है, 7 किलोमीटर के अंदर जो है 40 लोग है, और ये तो 7 किलोमीटर 40 लोग दिखेंगे कि हमको नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे रूम के अंदर 40 लोग दिखेंगे, हाँ मेरे को दिखेंगे। तो मेरे को मैं कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, साइज जितना कम होता जाएगा उतना वो क्या होगा उसकी चार्ज डेंसिटी या चार्ज रेशियो बोलेंगे तो क्या होगा ज्यादा होगा, साइज पे इनवर्सली होता है, समझा हम लोग को। तो इसमें ये दो चार्ज इसमें इतना दिख के नहीं आएगा जितना इसमें दिख के आएगा, क्योंकि कम ज्यादा है, समझ में हम लोग को। तो यहाँ पर वही चीज है चार्ज रेशियो, तो हम लोग को अगर चार्ज रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी इन शॉर्ट में अगर मेरे को बात करना है स्टेबिलिटी पता करना है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज देखूंगा जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल, जिस मेटल का चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और दूसरे वे में अगर चार्ज के जरिए समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे या साइज देखेंगे, साइज जिसका कम रहेगा वो उसका वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, समझ में आया। चार्ज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा स्टेबल, साइज ज्यादा रहेगा तो कम स्टेबल, है ना, अपोजिट साइज में अपोजिट हो जाएगा। चलो आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दोनों में तो इसका चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो चार्ज आ रहा प्लस 3 आ रहा है, एफ ई का यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस 3। इसको आप निकालने का तरीका आपको सिखा चुका, मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसका चार्ज आता है प्लस 2, राइट। तो ऑब्वियसली मेरा इसमें एफ ई का चार्ज प्लस 3 है, इसमें एफ ई का चार्ज क्या है प्लस 2 है, तो आप बताओ चार्ज किसका ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसका मतलब कोई मैं पूछेगा कि दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा ये ज्यादा स्टेबल, समझा। बहुत ईजी है, चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन नंबर निकालना है और पता करना है जिसका ऑक्सीजन में ज्यादा है, जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, समझा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका चार्ज निकालेंगे तो इसका चार्ज आता है प्लस 3, इसका चार्ज निकालेंगे तो इसका ज्यादा आएगा प्लस 3, है ना, ये EN 0 होता है तो चार्ज इक्वल के बराबर हो जाएगा, है निकालने का तरीका बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे प्लस 3 चार्ज है, यहाँ पे प्लस 3 चार्ज है, तो चार्ज तो सेम है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं कि कौन सा स्टेबल है, तो हम लोग को साइज देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, अगर चार्ज से नहीं हम लोग को आंसर मिल रहा है, दोनों का चार्ज सेम है तो हम लोग देखेंगे साइज, क्या देखेंगे साइज, साइज में देखेंगे एफ ई और एन आई में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं तो आपको बुलाऊ साइंस टीचर विनीता विप्लानी मन फेकू निखिल की कजिन है ना, शॉर्टकट मैंने आपको दिया था क्या है, साइंस टीचर विनीता विप्लानी मन फेकू निखिल की कजिन है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज क्या होता है कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज कम होता है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो साइज इसका पहले ये बात में राइट में आ रहा है ना, ये बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब साइज क्या जाएगा कम रहेगा और ये क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज है, याद रखना डिक्रीज है, तो डिक्रीज होगा इसका मतलब इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज्यादा है, जिसकी साइज कम रहेगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो साइज कम किसकी है इसकी ज्यादा कम है, तो इसका मतलब साइज की कम है इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, समझा बेटा, बहुत सिंपल है, एकदम इजीली हम लोग को फाइंड आउट कर रहे हैं ना। इससे एग्जांपल में दे ये देखते हैं हम लोग लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड अगर वो चार्ज से भी आंसर नहीं मिल रहा, साइज से भी नहीं आंसर मिल रहा, तो किस पे फोकस करूंगा मैं, लिगैंड पे फोकस करूंगा, फोकस करूंगा लिगैंड। लेट्स सी द एग्जांपल, यहाँ पर मैं देखूंगा इसका चार्ज कितना है प्लस 2, इसका चार्ज कितना है प्लस 2, ये भी आना है ये भी आना है, ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज भी सेम है और साइज भी सेम है, तो कैसे फाइंड आउट करें, तो मैं फोकस करूंगा लिगैंड, यहाँ पे याद रखना यहाँ पर लिगैंड के केस वाले इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड मतलब जितना ज्यादा बेसिक लिगैंड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल, समझ में आया, जितना ज्यादा बेसिक लिगैंड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, ये बेसिक है, वाटर और अमोनिया में बेसिक ज्यादा कौन है, बेसिक अमोनिया ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेबल ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस, सिंपल लिगैंड में देखने का इसका कौन ज्यादा बेसिक है और उसको हम लोग क्या लिखेंगे वो स्टेबल है, समझा। एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे मैंने, इसको बोले चेक कॉम्प्लेक्स है ना, बता चुका पार्टनरशिप नंबर सिखा रहा था आपको, बता रहा है चेक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब पॉलीडेंटिक लिगैंड आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चेक कॉम्प्लेक्स, तो एक चीज याद रखा चेक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनके डेंट बहुत होते हैं ना, डेंट ज्यादा होने की वजह से जैसे कि ईएल, तो ईएल जो है वो एक साथ दो दो हाथ से पकड़ा हुआ है, दो दो मतलब उसके बाजू है जिसके जरिए वो अच्छे से पकड़ा हुआ है ना, समझा हम लोग यहाँ पर, तो चीले कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, समझा हम लोग
चिकन कॉम्प्लेक्स होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं अमंग ऑल, मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में कोई भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो यानी अगर मैं बोलेगा इन तीनों को ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? चिकन कॉम्प्लेक्स मेरा जो है पॉलीलेटेड लिगेंड वाला जो है कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद मैं मेसनरी में देखूंगा, तो ये मेसनरी अलग ये, उसके बाद ये पहले नंबर पर सबसे स्टेबल ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। समझा आप लोगों क्या बोला मैंने? चिलेन कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद बेसिक वाला जो ज्यादा बेसिक लिगेंड हो और उसके बाद जो कम बेसिक। समझा? अब लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर पे। समझते टेम्परेचर पे कैसे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है? तो हम लोग का जो रिएक्शन बताया था मैंने मेटल प्लस एक्स मोल्स ऑफ लिगेंड यूज व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन एम एक्स एम इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब उसको हीट थर्मिक थर्मिक एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर इसको हीट इवॉल्व करना पसंद है, मतलब वो खुद ही चाह रही है इसके अंदर से हीट निकले। बट अगर मैं इसके अंदर स्टेबल मैं क्या करूँगा उसके अंदर हीट डालूंगा तो खुश होंगी क्या? नहीं, वो तो निकाल रही है ना अपने अंदर से, अपने अंदर से हीट निकाल रही, तो उसमें हीट डालेंगे तो क्या आएगी? वो परेशान हो जाएगी, चिढ़ जाएगी। चिढ़ना मतलब क्या? स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी। क्या होगी? अनस्टेबिलिटी। मतलब वही चीज है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट देंगे तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। When we heat the coordination compound, the stability of coordination compound decreases. क्यों डिक्रीज होता है? Because क्या होता है? Because ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने देता हूँ, मेरा फेवरेट वाला एग्जाम्पल ही देता हूँ, NH3 6 Cl3। बराबर अगर मैं इसको हीट कर दूँ, क्या करता हूँ? हीट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नहीं रहेगा, कुछ और चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से अमोनिया उड़ जाएगा, तो अमोनिया उड़ गया, समझो 3 मोल अमोनिया उड़ गया, तो 3 अंदर आना पड़ेगा सीएल को, क्योंकि पार्टिशन पर सिर्फ होता है ना हम लोग। प्लस क्या चाहिए हम लोग को? यहाँ नीचे लिखता हूँ प्लस 3 मोल का अमोनिया जो है हमारे मॉलिक्यूल अमोनिया के उड़ जाएगी, राइट ना? तो इससे प्रूफ हुआ कि हमारा जो पार्टिशन कंपाउंड क्या है? थर्मली अनस्टेबल है। थर्मली क्या है? अनस्टेबल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है इसका? इसका स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज होती है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड डिक्रीजेस, राइट? सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, राइट? हम लोगों ने पढ़ा क्या? हम लोगों ने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज एसिड बेस रिएक्शन। एज इट इज एसिड बेस रिएक्शन, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड can be explained by using stability constant k or beta. You can say stability constant is also called as equilibrium constant or dissociation formation constant. How to write a stability constant? So we know that constant stability constant को हम लोग लिखने का तरीका क्या? Equilibrium constant को लिखने का तरीका क्या होता है? Concentration of product upon concentration of reactant. So हमने ये आपको लिख के दिखाया था, right? Then we have seen instability constant is the inverse of stability constant. How to write? Explain you, right? Now how to find out the stability of coordination compound? I have explained you, right? Now stability of coordination compound depends on our stability constant, right? Now more is the stability constant, more will be the stability of coordination compound. Jitna stability constant zyada rahega utna kya hoga? Stability of coordination compound kya hoga? Zyada rahega. Maine value diya tha aapko, example diya tha, इन रिएक्शन दिया था, उसके वैल्यू दिया था, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी के की वैल्यू वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, राइट? आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देयर आर 3 फैक्टर व्हिच ऑन व्हिच स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स। नंबर 1 इज नेचर ऑफ मेटल आयंस, नंबर 2 नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर 3 इज टेम्परेचर। सो नंबर 1 नेचर ऑफ मेटल आयंस, इन दिस वी हैव सीन दैट स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन का चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। मोर इज द चार्ज रेशियो, मोर विल द स्टेबिलिटी, राइट? जितना ज्यादा चार्ज रेशियो रहेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। नाउ व्हाट इज चार्ज रेशियो? चार्ज रेशियो डिपेंड्स ऑन व्हाट? 2 थिंग्स, राइट? चार्ज ऑफ मेटल एंड सेकेंड साइज ऑफ मेटल, राइट? मोर इज द चार्ज ऑफ मेटल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा मेटल का उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या है? कम स्टेबिलिटी होगी। जितना साइज ज्यादा रहेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल। वॉट इन स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल, मतलब साइज जितना ज्यादा रहेगा उतना कम रहेगी। उसके एग्जाम्पल हमने देखे,
नाउ लिगैंड के टर्म में आते तो द चिलेट कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज चिलेट कॉम्प्लेक्स मीन्स द कॉम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट पॉलीडेंटेड लिगैंड राइट ना सो इफ यू सी पॉलीडेंटेड लिगैंड यू कैन डायरेक्टली पुट दैट इट इज अ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड राइट ना चिलेट कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज स्टेबल अमंग ऑल राइट ना सो चिलेट कॉम्प्लेक्स आ गया तो हम डायरेक्टली उसको मोस्ट स्टेबल बोल देंगे और अगर नहीं है तो वी विल फोकस ऑन व्हाट बेसिसिटी राइट ना मोर बेसिक इज अ लिगैंड मोर विल बी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा बेसिक लिगैंड रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी इफ यू सी ओवर हियर राइट अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर मॉलिक्यूल देयरफॉर अमोनिया कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड राइट एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर बेस्ड राइट ना एज अवर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल एट हाई टेम्परेचर राइट ना विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस राइट ना एज शोन ओवर हियर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने क्या हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड एग्जाम्पल लिया राइट इसको हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे तो वो कुछ और बन जाता है क्या बनता है ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट 3 नहीं हुए कोबाल्ट बनता है क्या बनता है ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट बनता है राइट तो ये बन जाता है और उसमें से अमोनिया उड़ जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल था अनस्टेबल है इसलिए वो अपने अंदर से अमोनिया को उड़ा दिया ठीक है तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो है हाई टेम्परेचर पे कॉर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं क्यों होते हैं उसका रीजन है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर क्लियर है बेटा तो स्टेबिलिटी हम लोग देखा आप जाओ घर पे बहुत सारे एग्जाम्पल जो नीट के जेडब्ल्यू के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करो अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स राइट ना इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स ओके सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर राइट इफ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर दिस लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच